खरगोन में करीब 125 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू करके चाइल्ड लाइन ने पुलिस के सहयोग से मुक्त कराया। चाइल्ड लाइन सब सेंटर भगवानपुरा ने रेकी करने के बाद मासूम बच्चों को ठेकेदार से मुक्त कराया। मुक्त कराए बच्चों में अधिकांश बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं। आर्थिक तंगी के चलते लालच देकर जिले के बिस्टान थाने के बच्चों को गड़ी मोगर गांव से ठेकेदार 4 पिकअप वाहनों में भरकर खेतों में मजदूरी कराने अपने साथ ले जा रहा था। पुलिस के सहयोग से अब तक की बाल श्रमिकों को रेस्क्यू करने की सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। बच्चों और आदिवासी परिजनों को स्कूल की सामग्री और जरूरत के कपड़ों की लालच देकर मजदूरी के लिए ले जाया जाता है। पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे ने पुलिस अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए निर्देश के बाद जिले में लगातार इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को रेस्क्यू कराने की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही में हड़कंप मच गया। बच्चों को बाल कल्याण समिति को सौंपा गया, जहां काउंसलिंग कर परिजनों को सख्त हिदायत देकर सौंपा गया। बाल श्रम पर प्रतिबंध के बाद एक साथ 100 बाल श्रमिकों को मुक्त कराने की कार्यवाही से शासन प्रशासन विशेषकर श्रम विभाग के दावों की पोल खुल गई है। खास बात तो यह है कि बाल श्रमिकों में सबसे ज़्यादा बालिका है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मामला है बाल श्रम के लिए पहले जो कार्रवाई की गई थी चाइल्ड लाइन के द्वारा और विभागों के साथ मिलकर, उसी के तर्ज पर श्रम विभाग और महिला बाल विकास और पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से चाइल्ड लाइन कोलैब और सब सेंटर के द्वारा ही कार्रवाई की गई है। इसमें करीब 100 से ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू करके लाया है बाल मजदूरी से छुड़ा के और बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया है। अब अग्रिम कार्रवाई जो है बाल कल्याण समिति कर रही है, इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कितने बच्चे हैं? करीब 100-125 बच्चे। 125 बच्चे। क्या नाम है आपका? मैं स्वप्निल बिहार, डायरेक्टर सब लाइन सब सेंटर भगवानपुर। लगातार जिले में जो चाइल्ड लाइन और पुलिस और महिला बाल विकास की संयुक्त टीम के द्वारा ऐसे बच्चे जो भी इस योग्य नहीं है कि उनसे कोई श्रम कराया जाए और यदि लोग उनको लेकर जा रहे हैं तो उनको पकड़कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बच्चों को उनके माता पिता और पालकों के समक्ष वापस दिया जा रहा है। आज फिर 125 बच्चे लेकर आए हैं। आज सुबह ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी, इस पर से महिला बाल विकास मिस्टान पुलिस और चाइल्ड लाइन वालों ने कार्रवाई की, जिसमें 4 पिकअप वाहन में लगभग 100 बच्चे थे, उनको लेकर वापस यहाँ अभी कलेक्ट्रेट आए हैं। उनके लिए कार्रवाई की जा रही है। जो पिकअप वाले हैं उनके ऊपर ट्रैफिक की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसके अलावा अन्य जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके ऊपर भी वैधानिक कार्रवाई की। ठेकेदार के विरुद्ध भी सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे बड़ी संख्या में सर बच्चों को मजदूरी करने के लिए ले जा रहे हैं। इस संबंध में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि बच्चे कौन लेकर जा रहे थे और कहाँ लेकर जा रहे थे। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके ऊपर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी